हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बुद्धिज़्म के बारे में। और जो हमारा इससे पिछला लेक्चर था वो पिछला लेक्चर था जैनिज़्म के ऊपर, और हम लोगों ने उसमें जैनिज़्म के बारे में जाना। जैनिज़्म के जो 24 तीर्थंकर हैं, उन 24 तीर्थंकर में जो भी इम्पोर्टेंट था, वो सारे इम्पोर्टेंट तीर्थंकर को हम लोगों ने देखा। उनके बाद हम लोगों ने महावीर के बारे में पढ़ा और देखा, और उनके 5 डॉक्ट्राइन के बारे में पढ़ा, और जो है उनके जो काउंसिल हुआ वो काउंसिल कहाँ कहाँ हुआ, 2 काउंसिल पाटलिपुत्र और बल्लभी में, उनके बारे में हम लोगों ने देखा। आज उसी तरह से हम लोग देखने जा रहे हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध जो हैं वो फाउंडर हैं बुद्धिज़्म के, ठीक है। देखिए, जब भी कभी समाज में कुरीतियाँ आती है, जब भी समाज में इक्वल स्टेटस जो है सभी लोगों को नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं समाज पीछे चले जाता है। और समाज के एक कम्युनिटी, एक समुदाय बहुत ही ज़्यादा वांछित हो जाता है। इसी तरह से वैदिक काल में, जो वैदिक काल है, वैदिक काल में ऐसा हुआ कि वर्णा सिस्टम लागू हुआ। वर्णा सिस्टम में ये होता था कि 4 वर्ण के लोग होते थे। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। तो ऐसा होता था, जो ब्राह्मण क्षत्रिय हैं वो शूद्र जैसे लोगों को, मतलब शूद्र के अंदर आने वाले जो भी लोग थे, उन लोगों को क्या करते थे, अपना उनसे काम करवाते थे। ब्राह्मण एलिट क्लास होता था, प्रिस्ट क्लास होता था, क्षत्रिय जो आपका राजा महाराजा होता था, रूलिंग क्लास होता था, और वैश्य ट्रेडिंग क्लास होता था, बिजनेस करता था, शूद्र इन तीनों के लिए काम करता था। तो जब भी इस तरह की कुरीतियाँ आती है, समाज जब डिवाइड होता है, तो उनमें कोई ना कोई एक ऐसा शख्स ज़रूर निकलता है जो इन कुरीतियों को ख़त्म करने का कोशिश करता है। उन्हीं में से एक थे महात्मा बुद्ध, है ना। महात्मा बुद्ध को हम गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। और देखते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, उनके माता पिता कौन थे, है ना। तो बात करते हैं हम महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है सिद्धार्थ के नाम से हुआ। पहले महात्मा बुद्ध नहीं थे, पहले जब उनकी पैदाइश हुई तो वो सिद्धार्थ के नाम से पैदा हुए 567 BC में, ठीक है। उनके पिता का नाम सुद्धोधना था। वो शाक्या रिपब्लिक क्लैन के जो है, जो शाक्या रिपब्लिक एक कबीला था, उनका वो हेड थे। और उनकी माता का नाम माया देवी था। माया देवी का डेथ हो जाता है महज सिद्धार्थ के 7 दिन, जन्म के 7 दिन के बाद। जब सिद्धार्थ जन्म लेता है तो उनके 7 दिनों के बाद माया देवी का डेथ हो जाता है। और उनकी मौसी है प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी उन्हें पालती है, ठीक है। और प्रजापति गौतमी के नाम से ही गौतम बुद्ध का नाम गौतम रखा गया, ठीक है। उनके बाद ऐसा होता है कि महात्मा बुद्ध को, मतलब सिद्धार्थ को, उनके जो फादर हैं वो अपने महल में बंद करके रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं कि सिद्धार्थ दुनिया की दुख दर्दों से अवगत न हो। उन्हें पता ही नहीं चले कि दुनिया में इतने सारे दुख दर्द हैं। एक दिन ऐसा होता है, महात्मा बुद्ध अपने महल से बाहर निकलते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो वह ये देखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति है ना, एक बूढ़ा व्यक्ति है। तो वो देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति से वो पूछते हैं कि आप ऐसे मतलब क्यों हैं। तो वो बूढ़ा व्यक्ति उनसे कहता है कि सिद्धार्थ, ये आपके भी साथ ऐसा होने वाला है, ये बुढ़ापा आपको भी आने वाला है। फिर जब वो कुछ दूर जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत ही कष्ट में है, बीमार है, परेशान हाल है। तो गौतम बुद्ध वो देखकर और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि यह व्यक्ति ऐसा क्यों है। तो उनसे वो पूछते हैं कि आप इस तरह से क्यों हैं, इस तरह से परेशान हाल क्यों हैं। तो वो व्यक्ति सिद्धार्थ से कहता है कि ये मेरे साथ जो है, ये मेरा कमज़ोरी है और ये मेरे अंदर बीमारी है। तो ये सब चीज़ गौतम बुद्ध के लिए पहली बार वो हुआ, वो पहली बार देखे कि इस तरह का, मतलब बुढ़ापा का आना और लोग बीमार होना, ये सब चीज़ देखकर वो बहुत दुखी हुए कि मुझे आज तक इनके बारे में मालूम नहीं चला, पता नहीं चला। तो फिर वो जब घर जाते हैं तो वो एक सोचते हैं कि ये दुनिया का दुख दर्द को कैसे दूर किया जाए, ये दुनिया का जो दुख है वो क्यों है, ऐसा क्यों हुआ है
है ना, तो वो उनके तलाश में घर से बाहर निकल जाते हैं अपना यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि ऐसा दुनिया में क्यों हो रहा है, इन दुख दर्द को किस तरह से मिटाया जाए और इसका क्या राज है। इनके लिए वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने घर से निकल जाते हैं। जब घर से निकलते हैं तो वह बोधगया पहुंचते हैं। देखिए महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो कपिलवस्तु में हुआ है, लुम्बिनी, है ना। महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ, लुम्बिनी में, ये नेपाल में है, ठीक है, ये नेपाल में है। और वो वहाँ से चले जाते हैं बोधगया। बोधगया में एक नदी बहती है, फल्गु नदी, निरंजना भी कहते हैं। उस निरंजना नदी के किनारे बोधि वृक्ष है, मैंने देखा भी है, मैं गया हूँ बोधगया, और वो वृक्ष अभी भी है उनका। मतलब वो जो वो वृक्ष था वो मेन वृक्ष नहीं है, उनका एक मतलब शाखा है, और मेरे ख्याल से उन्हीं का बीज से मतलब पैदा हुआ है ये नया जो वृक्ष है अभी फ़िलहाल। तो वो वृक्ष के नीचे वो बैठते हैं और बैठकर अपना निर्वाणा प्राप्त करते हैं। निर्वाणा मतलब इनलाइटमेंट रिसीव करते हैं, ठीक है। उनके बाद ये 49 डेज़ के बाद वो जब निर्वाणा प्राप्त करते हैं तो वो वहाँ से फिर निकलते हैं लोगों को अपना ज्ञान देने के लिए, ठीक है, अपना ज्ञान के बारे में बताने के लिए जो उसने 49 डेज़ में अर्पित किया, ठीक है। इनके बारे में फिर हम देखते हैं। देखिए आइए इसके थ्रू देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। जो महात्मा बुद्ध का बर्थ हुआ है, पैदाइश हुई है, उसका जो संकेत है, सिंबल्स है, वो लोटस है। और जब घर से वो निकलते हैं तो वह ड्राइवर का नाम चन्ना होता है और हॉर्स जो घोड़ा होता है हॉर्स का नाम कंथक होता है, ठीक है। और उसे हम हॉर्स से मतलब समझते हैं जो उसे हम ग्रेट रिनाउंसिएशन कहते हैं। तो ग्रेट रिनाउंसिएशन का जो सिंबल है वो हॉर्स है। और जब घर से निकल के इनलाइटमेंट के लिए जाते हैं, जब निर्वाणा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, तो उस सिंबल को हम कहते हैं वो सिंबल जो है वो है बोधि वृक्ष, ठीक है, बोधि ट्री है। और वहाँ पे 49 डेज़ वो मेडिटेशन करते हैं एज ऑफ 35 साल की उम्र में, ठीक है। और जब वो इनलाइटमेंट प्राप्त करके वहाँ से जब निकलते हैं तो पहला अपना जो उपदेश है वो सारनाथ में देते हैं। और उस उपदेश को हम जो सिम्बलाइज करते हैं वो एट स्पॉक व्हील है ना, ये इस तरह से इतना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 मानो ये 8 इसमें जो है स्पॉक होना चाहिए ऐसा। इस व्हील से हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंबलाइज करते हैं। उनके बाद महात्मा बुद्ध का जो डेथ है उस डेथ को हम लोग स्तूप होता है ना, स्तूप से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो महात्मा बुद्ध का डेथ होता है उसे हम परिनिर्वाणा कहते हैं। ये कुशीनगर में हुआ था, जो महात्मा बुद्ध का डेथ है वो कुशीनगर में हुआ था, एज ऑफ 80 साल के थे, तो उनका देहांत हो गया। और जो फर्स्ट सेरेमन जो पहला उपदेश देते हैं सारनाथ में उसे हम धर्म चक्र परिवर्तना कहते हैं, ठीक है। और इनलाइटमेंट को हम लोग निर्वाणा कहते हैं। और ग्रेट रिनाउंसिएशन इनके बारे में जो है कि आप मैंने बता दिया, और इनके और इनको सिंबलाइज किया जाता है हॉर्स से, ठीक है। इनके बाद हम लोग बात करते हैं कि गौतम बुद्ध के जो फिलॉसफी था उन फिलॉसफी के बारे में, उनके डॉक्ट्राइन के बारे में, ठीक है। तो इसे मिटा देता हूँ उनके, तो जैसा कि हमने वो मिटा दिया और फिर से मैंने लिख दिया है, जो बुद्धिज़्म के चार नोवेल ट्रूथ में पहला है दुख। दुख महात्मा बुद्ध का कहना ये था कि दुनिया जो है वो दुख से भरा पड़ा है, दुनिया में दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है, और सारे लोग इस दुख को झेल रहा है, ठीक है। तो दुनिया दुख से भरा पड़ा है, ठीक। उसके बाद समुदाय, दूसरा नोवेल ट्रूथ क्या है, समुदाय मतलब कि दुख का कारण क्या है इसे जानना है। और तीसरा है निरोधा, है ना, देखिए निरोधा, ये दुख का अंत कैसे होगा। और चौथा है अष्टांगिका मार्ग,
ये इनके बारे में है कि जब हम ये अष्टांगिका मार्ग पर चलेंगे तो हमें क्या होगा, ये सारे दुख दर्द दूर हो जाएगा। मतलब ये जो अष्टांगिका मार्ग है ये लीडिंग टू एंड ऑफ सफरिंग है ना, ये लीड करता है दुख को दूर करने में। ठीक है, तो उनके बाद हम देखते हैं ये अष्टांगिका मार्ग क्या है। इसे हम राइट एट फोल्ड पाथ भी कहते हैं, अष्टांगिका मार्ग। इसमें पहला है राइट अंडरस्टैंडिंग। हमें ये समझना है सबसे पहले कि ये जो चार नॉवेल ट्रूथ है ये नॉवेल है और ट्रू है। ठीक है, और ट्रू है मतलब हक और सच है, ये चार नॉवेल ट्रूथ। ठीक, दूसरा ये जानना है कि राइट थाट, राइट थाट में क्या है कि अच्छा सोचना है और हमें बुद्ध के आस्था के प्रति एकदम दीर्घ संकल्प रखना है। और तीसरा है राइट स्पीच। राइट स्पीच में क्या है कि फालतू की बातें हमें नहीं करना है जो हम लोग करते रहते हैं अक्सर। ठीक है, ये सब चीज़ को अवॉइड करना है। उसके बाद किसी को गाली नहीं देना है, ठीक है, जो हम लोग बात बार में दे देते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ नहीं करना है। ठीक है, गाली नहीं देना है और झूठ नहीं बोलना है और फालतू की बातें नहीं करना है। देखते होंगे हर चौराहे पे चार लोग बैठ के फालतू की बातें करते रहते हैं ना। और ये है राइट कंडक्ट। राइट कंडक्ट में क्या है, चोरी नहीं करना है ना, डू नॉट स्टीलिंग। ठीक है, एंड डू नॉट सेक्सुअल इम्प्रायरिटीज है ना, सेक्सु फालतू में जो है हम लोग किसी की बहन बेटी को छेड़ दिया, ठीक है, छेड़ देते हैं ना लोग, वो नहीं करना है। ठीक है, किसी भी महिलाओं को गलत नज़र से नहीं देखना है, ये राइट कंडक्ट में आता है। और पांचवा है राइट मीनिंग ऑफ मेकिंग अ लिविंग। ठीक है, इसमें क्या है कि हमें जीव का हत्या नहीं करना है ना, जीव का हत्या नहीं करना, नो स्लाउटरिंग है ना, नो स्लाउटरिंग ऑफ एनिमल। ठीक है, हमें जीव हत्या नहीं करना है, हमें जीव हत्या नहीं करना है। ठीक है, और ऐसा काम नहीं करना है जो मुझे इस तरह से फोर्स करे, जो नॉन वायलेंस के तरफ ले जाता हो, जो हिंसा की तरफ ले जाता हो, वैसा काम नहीं करना है। और फिर छठा पे आते हैं राइट मेंटल एटीट्यूड और अफॉर्ट। राइट मेंटल एटीट्यूड और अफॉर्ट, इसमें हमें नेगेटिव जो भी थॉट्स हमारे अंदर आते हैं, जो विचार आता है, जो इमोशन आता है, वो नेगेटिविटी को दूर रखना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम सातवां पे राइट माइंडफुलनेस है ना। राइट माइंडफुलनेस में क्या है कि हमें जैसे राइट माइंडफुलनेस का मतलब ये होता है कि हमें जो अपना मन को रखें, मन जो है ना, मन बुद्ध के प्रति एकदम क्या कहते हैं, एकदम दीर्घ रखना है। और उसके जो हम बुद्ध के प्रति जो हमारा रुझान हो ना वो ज़्यादा हो। ठीक है, इसके अंदर ये माइंडफुलनेस के अंदर मतलब कोई हमें हिला ना सके, ऐसा हमारा माइंड हो, हम बुद्ध के जो नॉलेज को इस तरह से पकड़ ले, है ना। और आठवां है राइट कंसंट्रेशन। राइट कंसंट्रेशन का मतलब ये भी वो कह सकते हैं आप, यूनिफिकेशन ऑफ माइंड है ना, यूनिफिकेशन ऑफ माइंड है ना, इसे समाधि भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम समाधि भी कहते हैं। ठीक है, बुद्ध जो मतलब आपका क्या कहते हैं, इनलाइटमेंट के ऊपर जो हमारा आस्था होगा उसको हम अपने माइंड में एकदम एकीकरण करके रखें है ना, इस तरह के और इसके जो है विरुद्ध में ना जाएं। ठीक है, ऐसा राइट कंसंट्रेशन हमारा होना चाहिए। ठीक, इसके बाद ये मिटाते हैं और हम कुछ और बताते हैं इसके बारे में, काउंसिल के बारे में बताते हैं कि बुद्ध जो बुद्धिज़्म का जो काउंसिल हुआ है वो काउंसिल कहाँ कहाँ हुआ है और कितना काउंसिल हुआ है। तो बुद्धिज़्म में चार काउंसिल हुआ है। ठीक है, बुद्धिज़्म में चार काउंसिल हुआ है और चार काउंसिल के बारे में आपको बताते हैं। चार काउंसिल से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं, जो बुद्धा थे है ना, जो गौतम बुद्ध थे, जो गौतम बुद्ध थे वह गॉड को, ईश्वर को है ना, ईश्वर को ना तो डिनाई करते थे और ना ही उसे
ये कहते थे कि गॉड है ना, ना ही डिनाई करते थे और ना ही इस बात को मतलब एक्सेप्ट करते थे कि गॉड है। उसके बाद आत्मा के बारे में, सोल के बारे में, है ना, इनके बारे में डिनाई करते थे कि आत्मा नाम का कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, आत्मा नाम का कोई चीज़ नहीं है, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे। खैर, बुद्धिज़्म का जो उद्भव हुआ है वो मेन कास्ट सिस्टम के ही मतलब विरोध में हुआ, जो वर्णा सिस्टम है, वर्णा सिस्टम के विरोध में ही हुआ है। जब ये जो वर्णा सिस्टम में कौन कौन आता है, ब्राह्मण है ना, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, चौथा है शूद्र, और जो वर्ण सिस्टम के अंदर नहीं आता है उसे हम कहते थे दास्यूज, है ना, दास्यूज कहते थे। और ये दास्यूज आज के ज़माने में आप हरिजन जो आता है, हरिजन हरिजन को कह सकते हैं, कह तो नहीं सकते, गलत बात है, सरासर गलत बात है। वर्णा सिस्टम नहीं होना चाहिए, कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन करे क्या, उस वक्त का ये दौर था, उस वैदिक काल का दौर था, है ना, वैदिक पीरियड का दौर था, तो उस समय ये वर्णा सिस्टम हुआ करता था, तो इसके बारे में पढ़ना तो ज़रूरी है, वर्णा सिस्टम। ठीक है, तो जो वर्णा सिस्टम के अंतर्गत नहीं आता था वो दास्यूज था। होता ये था कि जब भी दास्यूज और शूद्र, ये हो गया आपका प्रिस्ट क्लास, है ना, ये प्रिस्ट क्लास, ये है रूलिंग क्लास, ठीक है, और है ना, और ये है आपका बिजनेस क्लास या ट्रेडिंग क्लास, है ना, और ये मतलब वर्किंग क्लास कह सकते हैं, ये जो है ये इन सब के लिए काम करता था। ठीक है, इसे भी कह सकते हैं, इन तीनों के लिए काम करता था। होता ये था कि ये लोग, आप मानिए कि जैसे कोई दास्यूज है, ये झाड़ू लगाता है, तो जो झाड़ू लगाता है तो इन लोगों से ये कहा गया था कि आप जब झाड़ू लगाने आए तो ताली बजाते हुए आए और किरण निकलने से पहले आए। वो क्यों कि जब आप ताली बजाते हुए जब आप उनके मोहल्ले में जाएंगे, उनके बस्ती में जाएंगे, तो ये होगा कि उन्हें पता चल जाता था, जो ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब, उन्हें पता चल जाता था कि कोई शूद्र या दास्यूज आया है, तो वो घर से बाहर नहीं निकलता था, और सुबह मतलब कि सुबह के किरण से पहले इसलिए बुलाते थे कि उनकी छाया उनके ऊपर ना पड़े, है ना, दास्यूज या शूद्र का छाया ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के ऊपर ना पड़े। खैर, अब तो बहुत ज़माना बदल गया है, लोगों में ये सब चीज़ की भावनाएँ ख़त्म हो चुकी हैं, है ना, लेकिन ऐसा था, ऐसा वक्त था, ठीक है, इसको डिनाई नहीं कर सकते, ऐसा ज़माना था। तो इन सब, अब ये बताइए, जब ऐसा होगा तो ये तो अपने आप को नीचा समझेगा, ये तो अपने आप को नीचा समझेगा, इन लोगों को सभा में बैठने का अलाउ नहीं था, है ना, उनके बाद वेदा नहीं पढ़ सकते थे, वेद नहीं पढ़ सकते थे, ठीक है, और फिर उसके बाद आपका लेडी जो फीमेल है, फीमेल वेद नहीं पढ़ सकती थी। तो इन सब चीज़ को दूर करने के लिए ही महात्मा बुद्ध आए, है ना, महात्मा बुद्ध जो आए वो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए ही आए कि वर्णा सिस्टम नहीं होना चाहिए, कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, लेडी को हक मिलना चाहिए, ठीक है, और वेद जो है, वेद मतलब पढ़ने का भी हक सबको मिलना चाहिए, शूद्र को सभा में आना चाहिए, ठीक है, इन सब चीज़ के बारे में जो है महात्मा बुद्ध ने इन सब चीज़ को देखते हुए बुद्धिज़्म का फाउंड किया, है ना, के बाद टीचिंग के बारे में देख लिया हम लोगों ने, फिलॉसफी देख लिया हम लोगों ने, ठीक है, अब हम ये देखते हैं काउंसिल, ठीक है, अब हम देखते हैं काउंसिल कि देखिए काउंसिल इसलिए होता है कि बुद्धिज़्म को किस तरह मतलब जो फैलाना है, स्प्रेड करना है, प्रोपेगेट करना है, उनके लिए काउंसिल रखा जाता है, ठीक है, और किसी भी धर्म के ऊपर इनका जो है चर्चा होता है, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल आते हैं, वो लोग बैठकर
किसी भी टॉपिक पर, या कोई धर्म का काउंसिल हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन का काउंसिल हो, किसी भी चीज़ का हो, वहाँ पे इंटेलेक्चुअल आकर अपने अपने विचार रखते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही काउंसिल हुआ। पहले देख लेते हैं काउंसिल कितने हैं, उसके बाद है ना। काउंसिल, चार काउंसिल हुए। ठीक है, चार काउंसिल हुए और चार काउंसिल बता देता हूँ मैं। पहला काउंसिल हुआ ये है, पहला काउंसिल आपका हुआ है राजगीर कहिए या राज गृह कहिए, है ना, आज के दे मॉडर्न डे राजगीर है ना। नालंदा का एक सब डिवीज़न है राजगीर। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो राजगीर है। और ये राजगीर में पहला काउंसिल राजगीर में हुआ, और ये जो हुआ है ये एक रूलर था अजात शत्रु है ना, उनके द्वारा हुआ। और ये 483 में हुआ, 483 BC, जस्ट महात्मा बुद्ध के डेथ के बाद। जब महात्मा बुद्ध का देहांत हो गया तो सबसे उसी दौर में, उसी साल जो है, एक काउंसिल रखा गया था राजगीर में। ठीक है, ये पहला काउंसिल था। ठीक, उनके बाद हम बात करते हैं दूसरे काउंसिल के बारे में। दूसरा काउंसिल हुआ है वो आपका पाटलिपुत्र, नहीं, वैशाली, वही वैशाली में हुआ है। ठीक है, दूसरा काउंसिल आपका हुआ है वैशाली में, ये हुआ है जस्ट इसके 100 साल के बाद, 883 BC में। ठीक है, और ये हुआ है काला अशोक का, एक रूलर था काला शो का, है ना, काला अशोक का था एक रूलर। और काला अशोक के दरमियान ये हुआ है। ठीक है, 883 में इनके चेयरमैन के बारे में भी हम जान जाते हैं। ठीक है, इसके चेयरमैन के बारे में जान जाते हैं। चेयरमैन जो था पहला, जिस जो लीड कर रहा था, इसका नाम था, रुक जाइए, अजान हो रही है, उसके बाद अजान हो रही थी इसलिए मैंने रोक दिया, और जब तक मैंने लिख भी लिया आप लोगों का टाइम बच गया। तो हमने जैसे जिस तरह से बता दिया कि चार काउंसिल हुए, पहला राजगृह में जो अभी राजगीर के नाम से नालंदा डिस्ट्रिक्ट में बिहार के अंदर, और जो ये काउंसिल करवाया गया था अजातशत्रु के द्वारा, ये मगध के राजा था, हरियाणा का डायनेस्टी का मगध का राजा था, है ना, मगध का रूलर था। उसके बाद इसका जो चेयरमैन था महाकसप्पा। ठीक है, इस काउंसिल में बुद्धा के टीचिंग का दो बुक भी कंपाइल किया गया था, एक सुत्ता पिता का, एक विनाया पिता का। ठीक है, ये दो टीचिंग बुक था जिसे कंपाइल किया गया था, ये याद रखिएगा, पहला काउंसिल में। और दूसरा काउंसिल जस्ट 100 साल के बाद होता है वैशाली में काला अशोका के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे एक घटनाएं होती है जिसमें दो सेक्ट में बदल जाता है बुद्धिज्म, एक थेरावादीन और एक महासंघिकास। थेरावादीन ऑर्थोडॉक्स होता है, है ना, और ये अनऑर्थोडॉक्स होता है। ठीक है, उनके बाद तीसरा काउंसिल में आते हैं जो अशोका के द्वारा कराया जाता है, सो वेरी फेमस रूलर इन मगध एम्पायर, है ना, और जो है कि ये मौर्यन एम्पायर, मतलब मौर्यन रूलर था। उसके बाद ये पाटलिपुत्र में जो है तीसरा काउंसिल करवाया, जिसका चेयरमैन उपागुप्ता था। ठीक है, और इस काउंसिल में एक अभी 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 धम्मा पिता का, ठीक है, इसको कंपाइल किया गया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, और खुद अशोक बुद्धिज्म अपना लिया था। ठीक है, इनके बारे में याद रखिएगा। और चौथा बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काउंसिल है जो कश्मीर में हुआ है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों वेरी इंपॉर्टेंट है बताते हैं। ये कनिष्का के द्वारा हुआ था, कनिष्का रूलर था कुषाण डायनेस्टी का। ठीक है, उसके बाद
इसका जो चेयरमैन था वासुमित्रा और अश्वघोष कह सकते हैं, एक अश्वघोष एक लीडर इसमें था अश्वघोष, ठीक है, उनके बारे में जान ले। अच्छा तो ये चौथा काउंसिल क्यों बहुत इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो बुद्धिज़्म था वो दो सेक्ट में बट गया था, है ना। यहाँ पर बुद्धिज़्म दो बड़े सेक्ट में बट गया था, जो एक एक का नाम हुआ महायान, एक का हुआ हीनायन, ठीक है, एक महायान और दूसरा हीनायन, ये चौथा काउंसिल में हुआ। और ये अभी भी ये सबसे बड़ा सेक्ट है बुद्धिज़्म का, ठीक है। महायान और हीनायन के बारे में बताते हैं आपको। देखिए इधर महायान, ठीक है, इधर हीनायन। एक बात बताइए, महा का मतलब क्या होता है, महा है ना, महान, और हीन 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 हीनता होता है ना, गिरा हुआ, है ना। तो इसी तरह से महायान और हीनायन दो सेक्ट का जन्म हुआ है, ठीक है, दो सेक्ट का जन्म हुआ। महायान के लोग ये समझता है, इनकी फिलॉसफी क्या है कि ये क्या है? सबसे पहले तो इसके इसका जो होता है ये ग्रेट व्हीकल है ना, ग्रेट व्हीकल, और ये डिफेक्टिव व्हीकल, मतलब डिफेक्टिव व्हीकल, ठीक है, ये डिफेक्टिव है और ये ग्रेट है। महायान ने अपने आप को ग्रेट बोला और हीनायन को डिफेक्टिव बोला, ठीक है। इसमें हीनायन में क्या है, ये ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा है, ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा है ना। और इसमें क्या हुआ कि इसमें जो बौद्धिज्म के इंटेलेक्चुअल थे, जो बौद्धि स्तव कहलाते थे, बौद्धिस्त स्तव है ना, इनका ये मानना था कि हमें जब बुद्ध को प्राप्त करना है तो हमें इनके सहारे से प्राप्त करना है। आप पता नहीं कैसे, जब महात्मा बुद्ध को प्राप्ति करना है, महात्मा बुद्ध के बारे में जानना ही है तो हम तो डायरेक्ट भी जान सकते हैं ना। मानो अगर हम गॉड के पास, गॉड से कोई चीज़ मांगना है तो भाई वहाँ पर मुझे किसी की ज़रूरत क्यों है, किसी मीडिएटर की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो महायान का कहना ये था कि नहीं, मीडिएटर होना चाहिए, ठीक है। उनका क्या था कि जो हमें सेल्वेशन प्राप्त होगा वो मीडिएटर के हेल्प से होगा। और हीनायन का क्या था कि नहीं, मुझे डायरेक्ट मिलेगा, वो ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा में बिलीव करते थे, ठीक है। महायान ये बिलीव करता था, करता है, करता था नहीं, करता है कि बुद्धा का फिर से जन्म होगा, जो महात्मा बुद्ध हैं वो फिर से पैदा लेंगे, फिर से उनका जन्म होगा। और हीनायन का ये मानना है कि बुद्धा फिर से जन्म नहीं लेगा, नो रीबॉर्न, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो बुद्धा का टीचिंग लैंग्वेज था वो था पाली। पाली क्यों था? पाली कॉमन लोगों का लैंग्वेज था, और जब हमें कॉमन लोगों में अपनी बात रखनी है तो हमें कॉमन लैंग्वेज में ही बात रखनी होगी, है ना। कॉमन लोगों तक हमारी बात कैसे पहुंचेगी जब तक हम कॉमन लैंग्वेज में बोलेंगे नहीं। अभी जैसे हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो है, मतलब नॉर्दर्न इंडिया को देखा जाए तो हिंदी बोली जाती है, हिंदी में लोग समझ जाते हैं, लेकिन वही हम गाँव में जाके और इंग्लिश में बातें करें, या शहर में भी अगर इंग्लिश में बातें करें तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग नहीं समझेगा। इसी तरह से महात्मा बुद्ध जो हैं वो अपना कॉमन लैंग्वेज में अपना टीचिंग लोगों तक पहुँचाए, ठीक है, लोगों को जो उपदेश दिए, है ना, जो उपदेश दिए वो पाली लैंग्वेज में दिए, ना कि संस्कृत में। लेकिन ऐसा हुआ, चौथा काउंसिल के बाद ऐसा होता है कि महायान अपना जो टीचिंग ऑफ लैंग्वेज है वो संस्कृत रख लेता है, और ये संस्कृत जो है आपका
कॉमन लोगों का लैंग्वेज नहीं होता है, ये इलिट क्लास का लैंग्वेज होता है। एक सेकंड, ठीक है, ये जो है आपका कॉमन लोगों का लैंग्वेज नहीं होता है संस्कृत, वो होता है इलिट क्लास का। तो इनका जो लैंग्वेज हुआ वो संस्कृत हो गया, संस्कृत इसका जो टीचिंग है अब वो संस्कृत में होने लगा, और ये लोग पाली को बरकरार रखा। ठीक है, उसके बाद महाआयन के जो भी मानने वाले लोग थे, महाआयन सेक्ट के जो भी लोग हैं वो आइडल वर्शिप में बिलीव रखता है, वो महात्मा बुद्ध का मूर्ति बना के उनका पूजा करता है, और हीन आयन के लोग ऐसा नहीं करता है। ठीक है, और इनमें भी कई सेक्ट हैं, महाआयन में भी कई सेक्ट हैं, जैन जैन है, और जो जापान वगैरह में कई सारे सेक्ट हैं। ठीक है, हिनायन में भी कई सारे सेक्ट हैं, लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा सेक्ट है, जो मतलब सबसे बड़ी कम्युनिटी है, वो हिनायन है और महाआयन है। तो हमने आपको हिनायन और महाआयन के बारे में अच्छे से समझा दिया। ठीक है, और कुछ हेरिटेज साइट को देख लेते हैं जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, महात्मा बुद्ध के स्थानों जहाँ मतलब उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ, जहाँ पे क्या कहते हैं इनलाइटमेंट मिला, इन सब जगहों को देख लेते हैं। वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उन्हें जो है जोड़ा गया है, तो उन्हें उनके बारे में हम पता कर लेते हैं, देख लेते हैं ना। पहला है नालंदा, है ना, नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप जानते होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्धिज़्म के टीचिंग के लिए बहुत फेमस रहा है, यहाँ तक कि चाइनीज़ पिलग्रिम भी आता था, और बहुत सारे लोग आए हैं, फाहैन है ना, ये सब के बारे में, ये सब जो है यहाँ पे आके अपना जो है रिसर्च करता था, है ना, और बुद्धिज़्म के बारे में जानता था। और दूसरा हम बात करते हैं, ये है सांची स्तूप, सांची स्तूपा, ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, जहाँ पर फर्स्ट शेरमन, ठीक है, जिसे धर्मचक्र परिवर्तना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और तीसरा बात करते हैं आपका अजंता और एलोरा का कैव। ठीक है, औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में, अजंता केव है ना, एलोरा नहीं, अजंता, अजंता केव है ना, अजंता केव औरंगाबाद में है, औरंगाबाद में है, कहाँ, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, ये तीन यूनेस्को साइट याद रख लीजिएगा जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। ठीक है, और आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, हमें भी भूख लग गई है।